个性大概就是这些。दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे श्रीनगर में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए और हर जगह की एंट्री टिकट कितने की है और बोटिंग के भी क्या प्राइजेस है और आप कैसे उस जगह तक पहुंच सकते हैं, तो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आए हुए लाल चौक इलाके में और इसे घंटाघर भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हो, खाने की भी वेज ऑप्शन काफी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए। यहाँ काफी सारी शॉपिंग होती है तो आपको कुछ लेना हो तो कर सकते हो। घंटा घर देख, शाम के और रात के वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा रौनक रहती है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। विंटर वेयर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और कश्मीरी जो पोशाक होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। शॉल वगैरह मिल जाएगी, जैकेट्स मिल जाएंगे और यहीं पे आपको बहुत अच्छा फ्रूट जूस मिलेगा, भुट्टा मिलेगा, ये छोटा मोटा नाश्ते का सामान यहाँ पे मिल जाएगा, आप खा सकते हो। शॉल की दुकान है, लाल चौक से आप सीधे चलते चलते जाओगे ना तो आपको मिलेगा सेंट्रल मार्केट, वहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो और पूरी लाइन में शॉपिंग है, ये देख लीजिए, आप शॉपिंग कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों की। और आगे आपको वो माउंटेन्स दिख रहे होंगे और अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल मॉल की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। और ये यहाँ की बस है, अगर आपको लोकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट उससे पहले आपको लोकेशंस के नाम जान लेने पड़ेंगे। चर्च, होली फैमिली कैथोलिक चर्च, जी सिटी मॉल में हम आ गए हैं। तनिष्क है यहाँ पे, मतलब बेसिकली यहाँ का मॉल है, अंदर ब्रांड्स ही रहेंगे। जैसा कि नॉर्मल मॉल होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी ब्रांड्स थे, दो फ्लोर का मॉल था और अंदर फिर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह थी। और यहाँ की ना लाइटिंग काफ़ी अच्छी हो रखी थी और यहाँ पे ना एवरेज क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं था और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह थी। और यहाँ पे ना ज़्यादातर विंटर वेयर और आपको कश्मीरी पोशाक मिलेगा जो कि काफ़ी वहाँ पर फेमस है। फिर हम यहाँ से निकल गए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और अब हम जा रहे हैं। ये भी स्ट्रीट है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, अलग अलग शॉप्स हैं, पोलो व्यू मार्केट बोलते हैं। तो अभी तो भीड़ नहीं है क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे हम आ गए पोलो व्यू मार्केट, अभी तो फिलहाल कोई भीड़ नहीं है लेकिन शाम को काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, तो अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि हम अभी आगे जा रहे डल लेक की ओर। चलिए नवंबर में पत्ते चढ़ जाएंगे ना इसके, और उसके बाद तो दिसंबर से तो स्नोफॉल होगी। अभी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये रहा इसका पत्ता, दिखाती हूँ। ये है पोलो ग्राउंड और अभी यहाँ कोई मैच चल रहा है, अदरवाइज कभी कभी यहाँ पे मार्केट भी लगता है। वहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल है, वहाँ पे हम कल जाएंगे। हम आ गए डल लेक के पास और यहाँ पे लगभग हाउस बोट्स भी मिलेंगी और शिकारा भी मिलेंगी, ये देख लीजिए। अभी मैं आगे जाके दिखाती हूँ, ये देखिए ये हाउस बोट्स हैं। काका बोल रहे दोनों का 500 शिकारा का। अच्छा पानी तो लगभग आ गया होगा, ये गंदा पानी है और स्मेल भी आ रही है। हाँ स्मेल आ रही है काफी, लेकिन यहाँ पे भी हाउस बोट रखी है, पता नहीं अभी इसमें लोग रह रहे हैं कि नहीं। ये बोला कमोड दिख रहा है, दिखा। द
बेल लेक के आसपास पूरा टूरिस्ट ट्राइप है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड मिलेगा और मोस्टली टूरिस्ट यहीं पे रहते हैं। तो अगर आप होटल सर्च कर रहे हो तो इस एरिया के आसपास ढूंढिए, तो आपको सारे लोकेशन पास में पड़ेंगे। और ये देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। शिकाराम दिखी हमें, ये रही, ये नाला था वहाँ पे डल लेके, वहाँ हम जा रहे अभी। गया प्रॉपर डल लेक, क्लीन है, बहुत सारी शिकारा दिखेगी आपको, हाउस बोट्स भी दिखेंगी। थोड़ा और आगे जाती फिर दिखाती हूँ। ये दिख रही है शिकारा, और यहाँ पे टूरिस्ट बूथ बने हुए होते हैं जिसपे चार्जेस क्लियरली मेंशन होते हैं, लेकिन आपको उनके अकॉर्डिंग चार्जेस पे नहीं करने, आपको कराना है यहाँ पे बार्गेन। वो कैसे मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। इस तरीके से चार्जेस मेंशन होते हैं फॉरेनर्स के, अलग है और नॉर्मल राइड है। डल लेक पे आपको शिकारा की बुकिंग कैसे करवानी है, यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स है और पॉइंट्स के हिसाब से आपको बार्गेन करवाना है। हमने 5 पॉइंट किए थे 500 रुपीज में। डल लेक के सामने का व्यू है ये, और ये है शिकारा। डल लेक बहुत बड़ा है, आप घाट के आसपास कहीं पे भी वॉक करके जाइए और कहीं से भी आप शिकारा बुक करवा सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही पॉइंट से आप शिकारा बुक करवा सकते हो, आप जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको शिकारा मिलेगी। और फिर फाइनली हमने शिकारा बुक करवा दी थी और अब हम निकल गए। पूरा 1.5 घंटे का ट्रिप होने वाला है ये। और यहाँ पे ना अलग अलग वेंडर्स बोट पे आपकी बोट के पास आएंगे कुछ ना कुछ बेचने के लिए, तो आपको पसंद आ रहा है तो आप खरीद सकते हो। इसी तरीके से मैं फोटो खिंचवाने के लिए दूसरी बोट पे गई थी अपनी बोट से। अब देख लीजिए, नॉर्मल बोटिंग तो हम हर जगह करते हैं, पर यहाँ की यही खासियत है। नहीं नहीं उधर ही देखने दो, कोई बात नहीं, उसको दिख नहीं रहा है भैया। बहुत बड़ा है उसकी साइज के लिए। देखो मेरा बेटा, देखो मेरा बेबी, इधर 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 देखो, देखो ले मेरे बच्चे टिशू, इधर देखो मेरा बेबी, इधर देखो, इधर देखो, अब ये ज्यादा नहीं, मेरी जितनी ली ना 5 उसकी भी उतनी लिया। शिकारा राइड के टाइम पे ही फ्रूट्स बेचने के लिए भी एक भैया आए थे, तो वहां से हमने 100 रुपीज के फ्रूट्स लिए थे। और राइट साइड जो आप देख रहे हो वो सारे हाउस बोट्स हैं। यहाँ पे आप चाहो तो नाइट स्टे कर सकते हो। यहाँ के चार्जेस शुरू होते हैं 2000 रुपीज से, 3000 से अच्छे हाउस बोट आपको मिलेंगे। सर्दी में ये पूरा लेक जम जाता है, वाइट एंड वाइट होता है। किसकी शूटिंग हुई है? अरे DD2 बहुत पुरानी बात है। गुल गुल सिंह गुलफाम वो सीरियल आया था। अच्छा अच्छा, और जो पिक्चर की शूटिंग है ना वो दूसरा लेक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से जाएंगे ऐसा बड़ा राउंड करेंगे ना, फिर हमको यहाँ से जाना पड़ेगा बड़ा राउंड करके। अच्छा अच्छा, वो कम से कम 8 जगह आता है, 8 प्लेस टोटल। ऊपर जो है वो हरी हरी पर्वत, हरी पर्वत। हमने शिकारा राइड शुरू की थी दोपहर के 1 बजे। यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट सनसेट के टाइम आते हैं, सुबह से शुरू होता है, शाम के 7:30 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन प्योर, अच्छा सस्ता भी है, अच्छा क्वालिटी भी है, दोनों प्योर साथ में होता है। अगर आप 10 साल के बाद आएंगे, 5 साल के बाद आएंगे, वो शॉप उधर होगा। अच्छा, अगर आप अपना साथ कैरी नहीं करना चाहते हैं, बाइक कोरियर के जरिए माल भेज। अच्छा, मीना बता, हम जो जो पॉइंट आएंगे हम बोलते रहेंगे। ये जैसे इसे पानी कैसे आता है फिर? हाँ हाँ, न्यू ईयर में तो बहुत क्राउड रहता होगा। न्यू ईयर तो हर जगह, मतलब हर जगह बहुत भीड़। गोवा, इसको फ्लोटिंग लाइन कहता है, फ्लोटिंग लाइन, फ्लोटिंग गार्डन। अच्छा, ये घास को चलता है ना? हाँ हाँ, वैसे ये भी चलता है, चढ़ता पड़ता खेत ये। अच्छा, इसका नाम है फ्लोटिंग गार्डन। अच्छा, पर्दा मारना होता है धूप के लिए। उसको देखा मैंने तो। अच्छा, धूप आ रही है तो ऐसे मार लो खुद। ये देखिए यहाँ पे शॉप से।
क्या हुआ? बर्ड मीना बाजार में आ गए हम लोग। मीना बाजार में पूरा बाजार है, वहाँ पे अलग अलग दुकानें रहेंगी, आप अगर कुछ लेना चाहते हो तो शिकारा रोकेंगे वो लोग, आप उतर के आप शॉपिंग कर सकते हो फिर वापस आ सकते हो। अच्छा हैदर पॉइंट, अच्छा शिकार। हाँ इतनी अच्छी खुशबू है। ओहो हो, हम जाते वक्त सोच रहे थे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आई। पाइन वुड से बनती है शिकारा। बाद में शिकारा वाले भैया ने एक छोटा सा चप्पू दिया था त्विशा को ताकि हम फोटोज खिंचवा सके, हम लोगों ने वीडियोस और फोटोज ले ली। इसी के साथ सनसेट होने वाला था और ये बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अच्छे वीडियोस फोटोज आते हैं। कमल को नदरू बोलते हैं? नहीं कमल को नहीं, सब्जी, उसके अंदर सब्जी निकलता है। अच्छा कमल को क्या बोलते? अच्छा वो गायत्री सिंगोड़ा होगा। और इसी के साथ हमारी शिकारा राइड होती है फिनिश। और सिटी में इस तरीके के ब्रिज बने हुए जिन्हें आप क्रॉस कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, रात को आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, यहाँ पे आपको खाने पीने की चीजें भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मुगल गार्डन, तो हमने ना यहाँ पे बस पकड़ी है क्योंकि हम लोकल कश्मीर भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये हमें छोड़ेगी डल लेक तक, वहाँ से फिर हम आगे देखते हैं हमें कैसा ट्रांसपोर्टेशन मिलता है या फिर ऑटो कर लेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ का, देख लीजिए, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी फ्रेंडली है, तो आप इजीली यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकते हो कहीं जाने के लिए, और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, और बस में एसी भी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आज हम जा रहे हैं शालीमार और निषाद गार्डन, यहाँ जाने के लिए आपको डल लेक से ही बस मिल जाएगी रेड कलर वाली, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं पर लगभग हमने एक नंबर बस पकड़ी थी। यहाँ पे भी अभी हम आए हैं शालीमार गार्डन, ये देख लीजिए, तो इसके सामने भी आपको शॉप्स मिल जाएगी। यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हो, प्राइस बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है यहाँ पे, जब मैं शॉप्स में गई तो मुझे पता चला प्राइस नॉर्मल है, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। फिर यहाँ जाते हमने नाश्ता किया, थोड़ा सा खाया, ये बिस्किट यहाँ मिलते हैं, चाय हमने पी और मैगी मंगवाई थी क्योंकि भूख लगी थी, खाना पीना करके हम पहुँच गए थे शालीमार गार्डन का। अब हम टिकट ले रहे हैं, ये रहा टिकट काउंटर, आपको यहीं से टिकट मिलेगी और एंट्री आगे से होगी। चाइल्ड का 15 रुपीज़ है, बिलो 12 इयर्स, और एडल्ट का 30 रुपीज़ है, फॉरेनर्स 100 रुपीज़ है। लिया भी अलग है, देखो बागी 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 बागी। अभी हम आ गए शालीमार गार्डन और पीछे देख लीजिए ड्रेस रखे हुए, अगर आपको ये पहन के फोटो शूट कराना है तो भी करा सकते हैं। ये रहे देखिए, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, फ्लावर्स हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, टाइम से आ जाइए, सुबह आ जाइए तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, हम थोड़ा जल्दीबाजी में। ना ज्वेलरीज मिल रही है आपको, कुछ ना कुछ बेचने का या फिर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मार्केट का, देख लीजिए। मैं ना दावे के साथ कह सकती हूँ विंटर में जब स्नो होता होगा ना तब ये बहुत ही अमेजिंग दिखता होगा, अभी भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। कहते हैं निषाद गार्डन इससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें हम जाएंगे बाद में, और अभी ना ऑटम का सीज़न है यानी कि पत्ते अभी झड़ेंगे, और उसके बाद जब दिसंबर में स्नोफॉल होगा तो अभी बहुत ज़्यादा पत्ते झड़े हुए थे, और गार्डन के बैकग्राउंड में माउंटेन्स दिख रहे थे जो और भी ब्यूटीफुल बना रहे थे इस गार्डन को।
सिर्फ बाहर से टूरिस्ट यहाँ नहीं आते, यहाँ के लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं इस गार्डन में पिकनिक वगैरह बनाने के लिए। अब बस हम जा रहे हैं निषाद गार्डन की ओर, जिसके लिए हमने लोकल ट्रांसपोर्ट किया था 20 रुपये पर पर्सन पे। निषाद मुगल गार्डन, यहाँ से एंट्री है और पास वहाँ से लेना पड़ेगा, तो अभी हम टिकट लेके आते हैं। क्या यहाँ पे भी सेम चार्जेस है, अडल्ट 30 रुपीज़, चाइल्ड 15 रुपीज़, फॉरेनर्स 100 रुपीज़। यह है निषाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये रहा मेन रोड। सामने है दल लेक, दल लेक बहुत बड़ा है और सामने से स्टॉल्स मिल जाएंगे, खाने पीने का सामान और सब मिल जाएगा छोटा मोटा। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी पहले, थोड़ा ऊपर से शुरू होना है। निषाद गार्डन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अगर आपके पास टाइम कम है ना तो आप सिर्फ यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सब कवर हो जाएगा, शालीमार गार्डन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हो चुका है सनसेट का टाइम और इस समय पे बहुत ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे गार्डन में दिखेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स आपको दिखेंगे जिसे देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमने दोनों गार्डन घूम लिए और अभी हम बैठ गए, थक के थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जाते हैं। कल सोनमार्ग का प्लानिंग है तो उसके लिए टैक्सी बुक करनी है और काफ़ी अच्छा रहता है, आप मॉर्निंग में आइए या फिर इवनिंग में एंड ट्रिप कर सकते हैं यहाँ की, क्योंकि दोनों गार्डन पास पास में है। तो चलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पे जो ट्यूलिप गार्डन है ना वो इस सीज़न में बंद रहता है, अभी अक्टूबर में हम आए हुए हैं। वो कब खुलता है नरेश? अप्रैल में खुलता है, तो अभी बंद है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा।